दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। जो लोग अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा है या फिर वो बड़ा है, कोई भी अपना कंसंट्रेशन योगासन के माध्यम से बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें बताएंगे हमारे योग गुरु श्री ओमकार देव जी। नमस्कार। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान या भूमिका होती है। कुछ विशेष योग अभ्यासों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आप बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इन अभ्यासों से बड़े भी लाभ ले सकते हैं। अधिकांश बच्चों की ऐसी समस्या होती है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और इसी बात को लेकर माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार उनका बच्चा अन्य विचारों से छुटकारा पाकर पढ़ाई में ध्यान लगा सके। तो इन सभी समस्याओं को स्मरण में रखते हुए हमने कुछ विशेष योग अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की है। तो अब इनका अभ्यास हम आरंभ करते हैं। पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को सीधा कर लेंगे और शरीर को हाथ और पंजों के ऊपर ले आएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन अंदर, कोहनियां सीधी, शरीर को रोक कर रखेंगे। पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे पिंडलियों के ऊपर, जंघाओं पे, पीठ पे, कमर पे, पूरे कंधे और भुजाएं खिंची हुई। लगभग एक मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को जमीन पे रखेंगे, पंजे बाहर की ओर और शरीर को वापस वज्रासन में ले आएंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। इतना अभ्यास यदि नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाए तो एकाग्रता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। अपनी पढ़ाई में मन को एकाग्र किया जा सकता है। यह सभी अभ्यास बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी लाभप्रद कार्य सिद्ध होते हैं। इनका अभ्यास करके आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।